हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे, जय निताई। श्री हरि नाम प्रेस वृंदावन आपका हार्दिक स्वागत करता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अवश्य शेयर करें। साधुवाद प्रणाम। जय श्री राधे, जय निताई। पर दो विग्रह दिए गए हैं, एक सभा मन के सालिग्राम जी हैं, छोटे वाले बैठे हैं बाजू में, वो एक मन के हैं। भगवान विष्णु के अवतार हैं बड़े वाले, छोटे वाले भगवान शेषनाग जी के अवतार हैं। भगवान शिव का अंश पुत्र था जलंधर, इंद्र का मान भंग करने के लिए भगवान शिव ने उसको उत्पन्न किया था। जब इंद्र का मान भंग हो गया तो जलंधर को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया। अब उसने अपना गुरु बना लिया शुक्राचार्य, जो राक्षसों के गुरु थे। अब उसकी प्रवृत्ति राक्षस जैसी हो गई। वो साधु संतों को देवताओं को तंग करने लग गया। जलंधर नाम उसका इसलिए था, भगवान शिव ने उसको जल से उत्पन्न किया था, इसलिए नाम उसका जलंधर था। वृंदा नाम की लड़की से उसने शादी कर ली। जो वृंदा थी बहुत पतिव्रता थी और भगवान विष्णु की उपासक थी। उसने एक माला जलंधर के गले में डाल रखी थी और बोल रखा था, जिस दिन ये माला सूख जाएगी या मेरा पति धर्म नष्ट हो जाएगा उस दिन प्रभु आपका अंत हो जाएगा। वो ये जानती थी कि जलंधर जो मेरे पति कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन पतिव्रता में वो बंधी हुई थी। जब भगवान शिव युद्ध करने उससे जाते थे तो हार के आते थे। जो भी देवता उससे युद्ध करने जाता था हार के आता था। फिर सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के दरबार में पहुँचे। जब भगवान विष्णु को बताया प्रभु आप बचाइए, जब भगवान विष्णु युद्ध करने जा रहे थे तो देवी लक्ष्मी ने उनको रोका, प्रभु मत जाइए मेरा भाई है। क्योंकि देवी लक्ष्मी वो भी समुद्र से जल से ही उत्पन्न थी, दोनों में बहन भाई का संबंध था। तब भगवान विष्णु अब पत्नी के भाई को कैसे मारें? तो सब देवताओं ने कहा प्रभु वो ऐसे नहीं मरेगा, आप वृंदा के पास जाइए, उसका सतीत्व नष्ट करिए। तब भगवान विष्णु जलंधर का रूप लेकर वृंदा के पास पहुँचे और जैसे ही वृंदा ने अपने पति रूप में भगवान विष्णु को देखा और देख कर सिर्फ स्पर्श किया, स्पर्श करते ही वो पहचान गई मेरे पति नहीं है, छल से मेरे पास कोई आया है। वो आग्रह करने लगी प्रभु आप कौन है, अपने असली रूप में आ जाइए। तो भगवान अपने असली विष्णु रूप में आ गए और बोले प्रभु आज आपने मेरा पति धर्म नष्ट कर दिया, मैंने किसी दूसरे पुरुष को छीन लिया। उत्तर युद्ध में भगवान शिव ने जलंधर को मार दिया और गर्दन कट के आगे वृंदा के चरणों में आके गिरी। यह देख वृंदा बहुत क्रोधित हो गई और भगवान विष्णु से बोली कि आप इतने पाषाण हृदय के बन के मेरे पास आए हैं, मैं आपको श्राप देती हूँ आप भी पाषाण के बन जाइए। जो आप जो विग्रह देख रहे हैं वही विग्रह हैं, संपूर्ण सृष्टि में सबसे बड़े शालिग्राम जी का विग्रह है। चूँकि भगवान ने छल से जलंधर को मरवाया था तो देवी वृंदा से बोले मैं तुम्हारे पति धर्म से बड़ा प्रसन्न हूँ, मुझसे वर मांगो। वृंदा ने वर नहीं लिया, भगवान ने मर्जी से उनको वर दिया कि तुम जड़ बन जाओ, तुलसी बन जाओ। उससे पहले ब्रह्मांड में तुलसी नहीं थी, तुलसी भी सिर्फ इसी मृत्यु लोक में होती है और शालिग्राम जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। शालिग्राम प्राण प्रतिष्ठा नैब बहते थे, शालिग्राम भगवान साक्षात हैं ये। और चूंकि वृंदावन धाम तुलसियों का वन था और शालिग्राम भगवान को तुलसी अत्यंत प्रिय है, इसलिए ठाकुर जी वृंदावन पधारे। भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे, जय निताई।